से पढ़ाओ, जजमान हो और सुखी रहो। भाइयों, लगता है कि पंडित जी का विशेष छप है। अरे पंडित, आप पंडित जी बोलिए। अरे आजकल नहीं जानते क्या, हमारा तो जजमानी ही खत्म हो गया है। ये तो बात सही है पंडित जी, कि हमारे तरफ जितने शूद्रों के लोग हैं, मेरी बात माने नहीं रहे हैं। और वो भी नहीं जानते क्या, हमारा तो परिवार भूखे मर रहा है। क्या हमारा परिवार भूखे मर रहा है? भूखे मर रहा है? हाँ। अरे पंडित जी, तो कहिए तो एक आइडिया बताओ। कौन सी आइडिया है चतुर पंडित जी, वो आइडिया जल्दी बताइए। एक आइडिया है, कहिए तो बताऊँ, परंतु क्या ये बात किसी को पता ना चले। इस बात की जानकारी किसी को पता ना चले। चलिए ठीक है, चला जाए। नदी के उस पार एक खुद बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छा मूर्ति बनाता है, उसी के यहाँ से मूर्ति लाके अपना रोजी रोटी चालू किया जाए। तो ठीक है पंडित जी, इस काम में देरी किस बात की, अभी और इसी वक्त हम लोग चलते हैं। चलिए चला जाए पंडित जी। अरे पंडित जी, गिर जाए तो पुल मार जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उसी पार मूर्ति बनावत है। चलो चलो चला जाए, उसी पार बनावत है पंडित जी। चलिए चलिए, दिखाई दे रहा है ना। अब मुझे चलने के लिए शक्ति नहीं है पंडित। बस थोड़ी है, कितना दूर अभी जाना है। सामने एक भट्टा दिखाई दे रहा ना, उसके पास यही पे है। हाँ हाँ पंडित जी, थमर के चलिए, थमर के देखो पंडित जी, तब कोई शूद्र दिखाई है? हाँ वही दिखाई दे, एकदम चुप चुप, कोई नहीं दिखना चाहिए। यही है, यही है मराठी बनावट। हाँ हाँ हाँ, और हम लोग रोटी रोटी मारे थे। हाँ देखना पा, अरे देखिए देखिए, तो कोई दिखाई, कोई दिख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एकदम चुप। अरे शूद्र, अरे क्या पंडित जी, क्या बात है, क्या बात पूछ रहा है तू? इतनी अच्छी कला लेके हमारी रोजी रोटी मार रहा है? अरे माई, ये तो हमारा धंधा है, हम इसी से अपने बच्चे का पेट पालन करते हैं। अरे तो कुहरवा जाति का तो यही धंधा है, तो क्या करेगा, हमारे बाल बच्चों को भूखों मारेगा तू? अरे माई बाप रे, सीधा कटवा देंगे हम। अरे माई बाप रे, सब तो आप ही का है, आप जो चाहिए आप ही का है। तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन, अगर इस मूर्ति के बारे में अगर कहीं किसी गाँव में शोर शराबा किया कि ये मूर्ति हम ही ने बनाया है, तो तुम्हारी जीभा कटवा दे देंगे दे 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 हम लोग। और ये मूर्ति हमको चाहिए, गाँव के अगल बगल किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये मूर्ति कहाँ पर ले गया है। आया समझ में? चल यहाँ से फूट, और इस मूर्ति को हम ले जाएंगे। ठीक है, चल फूट यहाँ से लेके, चल जल्दी भाग यहाँ से, चल जा जल्दी यहाँ से, रोजी रोटी हमारी मार रहा है, रोजी रोटी। अब हम लोगों का राम, हम लोग की जजमानी खूब चलेगी पंडित जी। बात है, चलिए अब जल्दी करते हैं। हाँ 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 पंडित जी, जल्दी देख लेगा। हाँ हाँ, जल्दी से जल्दी से चलिए, के लिए चलते हैं। किधर उठाए पंडित जी? बस इधर से ही उठा लेते हैं। देखिए हमाल के गिरे ना, लेके चलते हैं पंडित जी, लेके चलते हैं। सुखी रहो, जाओ इस पूरे गांव के अगल बगल में ऐलान करा दो, इस मंदिर में भगवान आ गए। ठीक है महाराज, जैसे आ गया। हेलो, आज मंदिर में भगवान आ गए हैं। सुनो गावालो, आज मंदिर में भगवान आ गए हैं। सुनो गावालो,
खुशी रहो यजमान, खुशी रहो। एकदम खुशी रहो बच्चा, एकदम सदा फूलो फलो, एकदम इसी तरह से हम लोग की जजमानी चलता रहे। खुशी रहिए एकदम सदा फूल फलो, घर तुम्हारा भरा रहे एकदम फूले बच्ची, खुश रहो खूब पढ़ती रहो, मंडी की जजमानी चल रही है, अरे खूब जजमानी चल रही है यार, दिमाग को खुशी रहिए फूल पड़िए, पंडित जी क्या हम लोग की जजमानी चल रही है, क्या दिमाग कराया पंडित है, अरे हम पंडित लोग का इसी तरह से दिमाग चलता है, ब्रह्मा के रूप है हम लोग ब्रह्मा के, क्या जजमानी भगवान है यहाँ पे, बोला है मूर्ति हमने बनाया, भेजा खराब है क्या तुम्हारा, अरे हम ही तो बनाऊंगा, अरे कब बनाया, देख रहे पंडित जी अभी, चल निकल यहाँ से, हम यहाँ ब्राह्मण देखा हमारे मूर्ति बनावल, आए हमके मारे तोने से, आए हैं बतावा। बाल बच्चा मर जा, ये हमके हमके मारना होते ना, पर इनका परिवार एकदम नाश हो जा, ठीक बा हम जात हैं, हम जात हैं गांव में कहो, ठीक बाते जा, आई देखा हो, ये दिन ना चली, आई बामाल बारा सुता निकाला, ठीक बा, हम जा थाई, ये दिन ना चला थाई, हम जा थाई। अरे जतिन पंडित क्या हम लोग की जजमानी चली है। जी, ये तो सब दिमाग का खेल है, दिमाग का। अरे जतिन पंडित नहीं जानते क्या, क्या महाराजी, अरे हम लोग तो पूरा सजा दही खा रहे हैं, ये तो अपनी दिमाग की रोजी रोटी है ना, चलिए बाहर क्या हमारा परिवार चल रहा है पंडित जी, बाहर चल के दिखाते हैं कलम को, चलिए चलिए पंडित जी। पिताजी मेरा तबीयत खराब है।
अरे अरे पंडित जी, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हो गया? अरे पंडित जी, इसकी तो सांसें चली गई। पंडित जी, यह तो हमारा बेटा ठीक से कमाई भी नहीं खा पाया। अरे गांव वाले कोई मदद करो भाई। अरे मेरे लाल को क्या हो गया? अरे मैं जिंदगी में इतना कमाया था, लेकिन उस कमाई का हिस्सा मेरा बेटा ने कमाया। हमारा बेटा बताइए नहीं हुआ। पंडित जी, अपना बेटे का प्राण क्यों नहीं डाल रहे? अरे क्यों चले पर नमक सीख रहा है? सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, देखो आज ब्राह्मण पखंडियों का, देखो ये कल हमारी मूर्ति में ला करके मिट्टी का मूर्ति में प्राण डाल दिए और उसे कितना रुपया कमाया है। आज अपने बेटे का जब इसको प्राण डालने में कितना कष्ट हो रहा है बताइए। अरे गांव वालों, आज से अब सीधे सुधर जाओ। देखो ये ब्राह्मण धोबियों का देखो क्या किलो के क्या ढोंग है। आज पूरा समाज को हम कह रहे हैं कि जग जाओ, गांव वालों जग जाओ, हमारे समाज के लोग सब लोग जग जाओ। आज से पत्थर की मूर्ति किसी के मूर्ति के ढोंग पर ले आओ, किलो का ढोंग जल्दी हटाओ और अपना शिक्षा पर बल दो। आज से अपना प्रण करो कि हम लोग पंडित जी ढोंग में नहीं आएंगे। अरे शुद्ध क्या बलबल के बातें कर रहा है शुद्ध? तुमको पता नहीं हमारे लिए मेहनत की कमाई नहीं, दिमाग की कमाई खाते हैं शुद्ध? हमारे भी देसी है, हम यहाँ की मूल निवासी नहीं है, मेहनत की कमाई खाएंगे। अरे पंडित, तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आज हमारा समाज धीरे धीरे जग रहा है। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया पंडित जी? अरे मेरे लाल को क्या हो गया? अरे गांव वालों, अरे गांव वालों, मेरा बेटा तो पंडित जी नहीं देख पाया। हमारे बड़ा है मट्टी की मूर्ति में प्राण डाल दिए थे। अरे मेरे बेटे, आज इनका बेटा मर गया है, अपने बेटे में प्राण क्यों नहीं डाल रहे हैं? भला बताइए, आज अपने बेटे में प्राण डाल कर दिखाए। अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? देखो देखो गांव वाला, देखो पंडित जी मेरे लाल को क्या हो गया? पखंडी और ब्राह्मणों का देखो, आज इसका बेटा मर गया है। अरे मेरे लाल को नहीं डाल रहा है तो भला बताइए मट्टी में कैसे प्राण डालता है? अरे इस ढोंगी के ढोंगों में बताओ गांव वालों, जग जाओ, जग जाओ गांव वालों, जग जाओ। आज आज विदेशी आकर के आए से और हम लोग को आज तक लूटता रहा, आज से भी आज जग जाओ। अरे मेरे लाल, आंखें खोलो, क्योंकि आज किलो की पहचान मत आओ किसी मंदिर में। अरे मेरा लाल, आंखें खोलो, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया पंडित जी? आज करो कि हम किसी मंदिर मस्जिद में पत्थर को पूजने नहीं जाएंगे। जो बाबा साहब ने लिखा है उसी
के आधार पर हम चलेंगे। कोई ऐसा है जो मेरे बेटे में प्राण डाले?